हाँ जी टाइम कम है, बोल दीजिए जल्दी जल्दी बाबा। आज ये जो क्रोध है ना सर, आज उसका कोई स्टेज होती है? जैसे कि आदमी के शरीर में 98 डिग्री फारेनहाइट तक गर्माहट रहती है, उसके बाद ऊपर उसका वो बढ़ने से उसको बुखार कहा जाता है। जैसे जैसे किसी को से कोई बात कह देता है उसको झुलाटसी होती है, उसको भी क्रोध कहा जाता है क्या? क्रोध अंदर अंदर भी आता है, क्रोध बाहर भी फट पड़ता है, क्रोध दूसरे का नुकसान भी कर देता है। क्रोध की अंतिम सीमा इतनी है सारी दुनिया खलास कर देता है। तो सीमा ही नहीं कहे, जैसे प्यार का सागर कहा जाता है ऐसे क्रोध का सागर भी है। वो प्यार का सागर ही मुरली में बोल देता है, बहुत तंग करेंगे तो खलास करा दूंगा, कर दूंगा, ये नहीं कहा, क्या कहा? करा दूंगा, करा दूंगा। बाबा दीपक कितने प्रकार का होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध होते हैं? दीपक कितने प्रकार का होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध होते हैं? अभी तो साइंस की दुनिया में हजार हजार वाट के बल्ब बनने लगे हैं। पहले मिट्टी के तेल के छोटी सी डिब्बी जलाई जाती थी, वो छोटा सा प्रकाश देती थी। जैसे आत्माएं हैं, कोई डिम होती है, उनकी आंखों में चमक कम होती है, झुंझियारी आंखें दिखाई पड़ती हैं, आंखों में से रोशनी कम दिखाई पड़ती है, आंखों में वो तेज वो रूहानियत नहीं दिखाई पड़ती है, आंखों में तीखापन नहीं दिखाई पड़ता है। कोई आत्मा रूपी दीपक इतना तेज होता है कि आंखों में देखने से ही हजार वाट का बल्ब दिखाई पड़ता है। तो दीपक से तुलना की गई है आत्मा की। तुम आत्मा रूपी दीपक हो, जैसे बैटरी से तुलना की जाती है वैसे दीपक से तुलना की जाती है, वैसे आसमान के सितारों से भी तुलना की जाती है। बाकी दीपक दीपक ही है, आसमान के सितारे सितारे ही है, आत्मा तो चैतन्य है। वो सितारे और वो दीपक वो कोई चैतन्य थोड़े ही हैं, उनको बाप भगवान थोड़े ही चलाता है। बाप भगवान आकर हम बच्चों को चलाता है, और हम बच्चे अपनी योग बल की पावर से दुनिया के जितने भी जड़ पदार्थ हैं, जड़ प्रकृति है, उनका संचालन करते हैं। और बाबा राम वाली आत्मा और शंकर वाली आत्मा एक ही है कि अलग अलग है? शंकर को जन्म मरण की दिखाते नहीं। राम वाली आत्मा 84 जन्म लेती है या शंकर 84 जन्म लेता है? जैसे शिव जन्म-मरण के चक्र से न्यारा है, वैसे शंकर भी जन्म-मरण के चक्र से न्यारा है।
शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ है कल्याणकारी नहीं संहारकारी, दोनों के अर्थ में ही फर्क है। तो दोनों का काम भी ऑक्यूपेशन भी अलग अलग है। और शंकर एक को नहीं कहा जाता है, शंकर माने ही मिक्स, शंकर माने एक या अनेकों के पार्ट का सम्मिश्रण है संकरण। तो संकरण है शंकर, शिव भी है, ब्रह्मा कृष्ण की सोल भी है, राम की सोल भी है, उसको शंकर कहा जाता है। वो सदैव निश्चय बुद्धि है। हम आत्माएं कभी निश्चय बुद्धि कभी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं राम वाली आत्मा प्रजापिता है, बाकी शंकर है ऐसे नहीं कहेंगे। प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे। प्रजापिता पतित है या पावन है? प्रजापिता तो पतित है। कलयुग के अंत की दुनिया का नाम है प्रजापिता, जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर मौजूद होती है। वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप है। उसको प्रजापिता कहते हैं, राम बाप। शंकर के बच्चे थोड़े ही होते हैं, जो शिव के बच्चे सो शंकर के बच्चे कह सकते हैं। हमें वर्षा किससे लेना है, शिव से लेना है या शंकर से लेना है? शिव से वर्षा लेना है। शिव से वर्षा लेंगे तो कल्याणकारी वर्षा मिलेगा, और शंकर से वर्षा लेंगे तो संहारकारी मिल जाएगा। इसलिए राम वाली आत्मा अलग, और शंकर जो पार्ट है वो तो सिर्फ संगम युग का पार्ट है, वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का पार्ट नहीं है। और जब ये दक्ष प्रजापति जी यज्ञ रहता उसमें उन्होंने शंकर जी को नहीं बुलाए, तो इसी गम में सती देवी ने जलकर जान दे दी, उसका शूटिंग अभी कैसे होता है? यज्ञ के आदि में 47 से जो आहुतियां दी जा रही हैं, वो टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आहुतियां दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? दी जा रही है, अभी भी दी जा रही है। लेकिन वो जो यज्ञ रचा जा रहा है उसमें शंकर या शंकर के बच्चों का कोई स्थान है? अरे अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं है। और जो पूछने वाला है वो तो बोल ही नहीं रहा। नहीं, समझ में नहीं आया इसलिए पूछ रहा हूं। अभी समझ में आ रहा है क्या? नहीं है, है? नहीं। कोई स्थान नहीं है, शंकर को भी कोई स्थान नहीं, और शंकर के जो बच्चे हैं माने शिव बाबा के जो सच्चे बच्चे हैं, जैसे शंकर शिव बाबा का सच्चा बच्चा है, ऐसे ही जो और रुद्रगण हैं उनको भी उस यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। जब कोई स्थान नहीं मिलता तो शक्ति क्या करती है? अपने देह अभिमान को स्वाहा कर देती है। तो जब देह अभिमान ही स्वाहा हो गया तो फिर बाल बच्चे पैदा होंगे है? बाल बच्चे जो हैं वो कुछ न कुछ देहभान होता है तब बच्चे पैदा होते हैं, सृष्टि बढ़ती है।
कि आत्मा अभिमानी बने रहे तो बच्चे पैदा होंगे, देहमान कुछ तो देवताओं में दृष्टि में तो देवान होता है ना, उनको बिल्कुल देवान ही खत्म कर दिया तो सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। अरे ये आसुरी सृष्टि कैसे खत्म होगी? असुरों को खलास करने के लिए तो क्या चाहिए? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, तो राक्षसी सृष्टि को खलास करने के लिए राक्षसी शक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? अब महाकाली कहां से आएगी? देवानी खलास हो गया तो सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तो ये कथा बनाई हुई है अभी की। और बाबा माँ से जल्दी मिलाने के लिए हम बच्चों को तो बहुत याद आ रहा है, है? कब? माँ से जल्दी मिलाओ। माँ में पहले महाकाली प्रत्यक्ष होगी या महा गौरी पहले प्रत्यक्ष होगी? कौन सी सामने आने वाली है? धीरज धर मनुगा, धीरज धर। जब महाकाली पार्ट बजाती है तो जोर से चिल्लाते हैं मा मा मा, भक्ति मार्ग में भी रात्रि जागरण करते हैं तो क्या कहते हैं? जय माता दी, जय माता दी। बाबा कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और बच्चे क्या कहते हैं? नहीं, हमारा पेट नहीं भरता, हमें अम्मा चाहिए। फिर बाबा को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है तो कहते हैं देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। इतना समझाते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई। एक शिव बाबा को याद करोगे तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, दूसरे को याद करोगे तो पाप भस्म नहीं होंगे। फिर भी कहते हैं क्या चाहिए? तो बुरे फंसे बाबा। 100 साल का संगम युग है जी, हाँ जी। और 100 साल का संगम युग और उसमें पुरुषोत्तम युग 40 साल है। पुरुषोत्तम युग 40 साल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बाबा का प्रत्येता हुआ 76 है। तो पुरुषोत्तम युग सर बाबा 76 का बाद ही शुरू हुआ, 77-78। हाँ ठीक है। तो सर इसका तो 40 साल इसका पुरुषोत्तम युग का टाइम 40 साल ही है। 40 साल पुरुषोत्तम युग का टाइम 40 साल। समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, वही मैं समझ आया नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। तो पुरुषोत्तम युग माने ये 40 साल पुरुषार्थ करने का युग यही है। हाँ हाँ, जो पुरुषों में यानी आत्माओं के बीच में जो उत्तम से उत्तम आत्मा बनने वाली होगी उसका टाइम लिमिट बताया। उसके लिए टाइम लिमिट कितनी है? जो सारे संसार में वो पुरुषोत्तम के रूप में प्रत्यक्ष हो जाए और सारी दुनिया उसको मान ले कि यही पुरुषों में उत्तम है, उसका 40 साल का टाइम है। 76 से शुरू करो, 76-77 संपूर्णता वर्ष हुआ ना, तो वहां से शुरू करो और 2017 तक पूरा करो, 18 आ जाता है। ये 40 साल हो गए पुरुषोत्तम संसार में प्रत्यक्ष होना चाहिए तो होता है। इसलिए इसका टाइम लिमिट कितनी बताई? 40 साल का है पुरुषोत्तम संगम। शुरुआत भी पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत भी
40 साल के बाद होती है। सन 36 से लेकर 76 तक कितने साल हुए? 40 साल हुए। वो आत्मा तो सन 36 में भी आ गई ना, लेकिन उस समय पता ही नहीं किसी को कि पुरुषोत्तम कौन है, और पता भी है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा बाबा के ऊपर ठोक देती है। वो किसे समझती है पुरुषम उत्तम? है ब्रह्मा की सोल को पुरुषम उत्तम समझती है, लेकिन ब्रह्मा की सोल तो पुरुषम उत्तम नहीं है। पुरुषों में उत्तम तो सन 76 से शुरुआत होती है, पुरुषोत्तम संगम युग की वो है शुरुआत, और 2017-18 है अंत। इसलिए गाया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग 40 वर्ष। और 100 साल का संगम युग, संगम युग अभी तो सतो 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 सामान्य रजो और तमो भाग तो शरीर है ना। 100 साल का संगम युग, संगम युग अभी तो सतो सतो सामान्य रजो और तमो तो सभी चारी अवस्था से गुजरते। तो बाबा 36 से 61 तक रहा 25 साल, 36 से 61 तक सत्व प्रधान थे इसी संगम युग। 25 से 36 से 36 से 61 और 61 से बाबा 61 से 86 तक सत्व सामान्य रहा, और 86 से 2012 तक रजो रजो अवस्था में रहा। ये कैसे? अब 25 साल और रह गया 100 साल के लिए, और 12 से शुरू होगा ये संगम युग का अंतिम, 12 से ना शुरू हो रहा है बाबा ये तारीख 25-25 करके भाग करने से। तो ये जो 12 से बाबा क्या होगा जब भोर कली जब शुरू होगी? ये 25-25 आपको किसने बता दिया? आपने आप बाबा अपने आप जो कुछ करेंगे, चार भाग किया हमने, जो अपने आप जो काम करेंगे वो मनमत भी तो हो सकती है। नहीं बाबा वो तो मुरली ने कहा है 25 साल, मुरली में तो कहीं 25 साल आया ही नहीं है कि 100 साल के संगम को 25-25 में बांट दो तो सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो हो जाए, आ जाएगा। ये तो कैलकुलेशन ही गलत हो गया। और बाबा ने जो बताया वो तो रंग ही हो गया। अगर 25-25 साल का हिसाब मान लें तो एडवांस में भी तो कुछ बताया कि नहीं बताया? बताया। देवतावरण की शूटिंग 4 अवस्थाओं से पसार होती है, देवतावरण भी 4 अवस्थाओं से पुरुषार्थ करते हैं, सन 36 से लेकर 2076 तक, फिर छत्तीवर्ण की शूटिंग उसमें भी 12 वर्ष। फिर वैश्यवर्ण की शूटिंग उसमें भी 8 वर्ष, 98-99। फिर कलयुग की शूटिंग शूद्रवर्ण की उसमें भी 4 वर्ष, 5 वर्ष पूरे होते हैं 2004 में। तो रुद्रमाला के हिसाब से वो 4 वर्ण की शूटिंग का काम पूरा हो जाता है। ये शंकर द्वारा विनाश का कार्य था, खंडन मंडन का, जो ज्ञान के आधार पर खंडन मंडन होना था वो 2004 तक पूरा हो गया। अब उसके बाद तीसरी मूर्ति का पाठ शुरू होना चाहिए, तो तीसरी मूर्ति का पाठ चलता है। माने तीसरी मूर्ति चंद्रवंश में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष होनी चाहिए। तो जब से अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि जो सेवा का कार्य किसी भी देश ने अभी तक नहीं किया है, वो सेवा का काम किसने किया? अफ्रीका ने किया।
तो साबित हो जाता है कि अफ्रीका में वो कोई शक्ति ऐसी है जो वैष्णव के रूप में है, प्रत्यक्ष हो रही है और वो भी चार अवस्थाओं से पसार होना और ये जो ज्ञान जब साथी साथ श्रीमती बाप आके जब जब ज्ञान जब दे रहे हैं बाबा, गीता ज्ञान सुना रहे हैं, पति को पावन बना रहे हैं, हम लोग सब एकदम बाबा को पहचान के, भगवान को पहचान के सब बाबा हम लोग प्रसाद कर रहे हैं। ये बाबा हमारा जब प्रसाद करते हैं सर, हमारा कल्प 84 जन्म का, हमारा जो 33 जन्म का, हमारा जो हमने कर्म किया था बुरा अच्छा, वो सब बाबा भस्म हो रहा है, जितना नाम लेंगे वो भस्म हो रहा है। नाम लेने से भस्म नहीं होता है, याद करने से, हाँ। याद से भस्म हो रहा है। तब अब जो लौकिक में बाबा डॉक्टर, कंपाउंडर, बड़ा बड़ा वकील, रजिस्ट्रार, विचारपति बाबा होते हैं, लोग को वो संस्कार उन लोग को अगले जन्म में नहीं रहता है बाबा। ये बाबा का ज्ञान का संस्कार ये 21 जन्म के लिए रह रहा है बाबा। वो तो 40 साल 50 साल भी उसने कोई वकालती किया होगा, बैरिस्टर किया होगा, ये तो अद्भुत इसी में लग रहा है बाबा हमको। अरे डायरेक्टर होगा तभी शूटिंग होगी कि बिना डायरेक्टर की शूटिंग रिहर्सल हो जाएगी? डायरेक्टर चाहिए। तो जो दुनिया भी वकील है, दुनिया भी जज है, उन्होंने डायरेक्टर को पहचान लिया क्या? उनको संदेश मिला क्या? उन्होंने स्वीकार कर लिया संदेश को? तो फिर उनकी तो बात ही नहीं है। और बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रजापिता का स्थान कहाँ है? सोमनाथ है कि विश्वनाथ है? 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रजापिता का लिंग जो स्वरूप है वो सोमनाथ है कि विश्वनाथ है? सोम किसे कहते हैं? है? ज्ञान को सोम कहते हैं। जो सोमवार नाम पड़ा है दिवस का, वो कौन सी आत्मा है जिसके नाम के आधार पर सोमवार नाम पड़ा है? सोम माने चंद्रमा और सोमनाथ, जैसे कन्या की शादी होती है ना, तो शादी होने से पहले नथनिया नहीं होती है। कोई कन्या को शादी होने से पहले नथनिया पड़ी हुई देगी? नहीं देगी। और शादी हो जाती है तो उसके बाद नाथ डाली जाती है, माने देखने वाला समझ ले कि इसका भी कोई नाथ है, नाथ डालने वाला। तो ऐसे ही जो चंद्रमा वाली आत्मा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, वो उसको नाथ पड़ गई है कि नहीं पड़ गई? अभी पड़ गई, पड़ गई तो गीता का भगवान अपने को क्यों समझती है? नहीं पढ़ी है ना, तभी तो वो अपन को गीता का भगवान समझती है। जब नाथ पड़ जाएगी तो जो नाथ डालने वाला होगा उसको गीता का भगवान समझेगी, भगवान का साकार रूप पति परमेश्वर उसको समझेगी या अपन को समझेगी? है? उसको ही समझेगी। तो सोमनाथ कौन हुआ? है? राम वाली आत्मा जो है वो सोमनाथ हुई, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। वो सोमनाथ की यादगार द्वापर के आदि में वो सोमनाथ मंदिर सागर के किनारे बनाया हुआ है। शूटिंग पीरियड में भी होता है ऐसे ही। शूटिंग पीरियड में सोमनाथ का मंदिर बनाने वाला कौन है? विक्रमादित्य राजा ब्रह्मा वाली आत्मा। राजा विक्रमादित्य कौन सी आत्मा बनती है? ब्रह्मा वाली आत्मा। तो ब्रह्मा वाली आत्मा को डायरेक्शन किसने दिया कि अहमदाबाद में
पालड़ी सेंटर में तुम सोमनाथ मंदिर खोल दो। किसने अपनी धन संपत्ति सारी लगाई? जो माउंट आबू मधुवन की सारी धन संपत्ति है, वो धन संपत्ति लगा करके अकूत वो सोमनाथ का मंदिर स्थापन किया गया। तो उसी की यादगार में भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर बन जाता है द्वापर की याद में। जिस टाइम मम्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं, उसी टाइम विदेशियों की शूटिंग होना शुरू हो जाती है। मम्मा बाबा जब तक जीवित थे तब तक विदेशियों की शूटिंग नहीं हुई। मम्मा बाबा की शरीर छोड़ते ही अपने अपने जोनल इंचार्ज अलग अलग बन गए, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग शुरू कर दिया। ये अनेक राज्य अनेक धर्म अनेक भाषाएं कौन से युग में शुरू होती है? द्वापर में। तो मम्मा का शरीर छूटा और सोमनाथ मंदिर का फाउंडेशन पड़ गया। ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी द्वापर के आदि में सागर के कंठे पर, हमारा तो सागर का कंठा मधुबन माउंट आबू बेसिक में, उसके किनारे का सेवा केंद्र अहमदाबाद, उससे ज्यादा नजदीक और कोई दूसरा सेवा केंद्र था ही नहीं। तो सागर के कंठे पर जैसे यहां था, वैसे द्वापर में भी सागर के कंठे पर अकूत धन संपत्ति लगा करके वो सोमनाथ का मंदिर खड़ा किया गया था। खड़ा करने वाला सोम, करवाने वाला सोमनाथ, तो नाम क्या पड़ गया? सोमनाथ नाम पड़ गया। विश्वनाथ बाबा, विश्वनाथ जो जब विश्व बनता है और विश्व को कंट्रोल करने वाला बनता है, अभी तो वो विश्व तैयार नहीं हुआ। जिस विश्व को कंट्रोल करने वाला कोई कंट्रोलर हो, नई विश्व बनेगा उसको कंट्रोल करेगा या पुराने विश्व को कंट्रोल करेगा? नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया को कंट्रोल करने वाला हो ही होगा। और बाबा, मैंने स्वर्ण मापा शिवा पार्वती कहना चाहिए, शंकर पार्वती शिवा पार्वती लिखा है स्लोगन में। काय में? स्लोगन में, स्लोगन में, स्लोगन में क्या लिखा है? शिवा पार्वती लिखा है, शंकर पार्वती कहना चाहे कि शिवा पार्वती कहना। कौन से स्लोगन में लिखा है? दूसरे 56 वाला स्लोगन में लिखा है। तो बीके के स्लोगन मनुष्यों ने बनाए है या बाबा ने मुरली में बनाया बोला है? पार्वती लिखा है, शंकर पार्वती। अरे लिखने वाला मनुष्य है या शिव बाबा ने मुरली में बोला है? मनुष्य है। मनुष्य है तो मनुष्य तो कुछ भी उल्टा पलटा बोलते रहते हैं। हाँ, मनुष्यों को क्यों फॉलो करना? हाँ बाबा, हम लोग फूल तोड़कर देवी देवता को पूजा करते थे, ये तब ज्ञान मार्ग में आने के बाद तो रंग है ना? रंग काय के लिए? वहाँ जड़ देवी देवताओं की पूजा करते थे, जड़ फूलों से करते थे। यहाँ चैतन्य देवी देवताएं हैं और चैतन्य फूल तोड़ो और चढ़ाओ, किसने मना किया? इतनी बात बुद्धि में नहीं बैठती। फूल तोड़ने की आदत थी नहीं पहले, तोड़ कर। अरे अकौवे का ही फूल तोड़ लो, अकौवे का न मिले तो धतूरे का ही तोड़ लो। और अरे टाइम का गैप ना दो भाई। घर परिवार में रहने पर एक दूसरे की सेवा लेनी पड़ती है, ये रहने घर परिवार में रहने पर एक दूसरे की सेवा लेनी पड़ती है। घर परिवार को अपनी गीता पाठशाला समझो, ये बाबा ने नहीं बोला? घर परिवार के जो बंदे हैं
उनके लिए तुम्हें वरदान मिला कि नहीं मिला? तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा? तो तुम्हारे ज्ञान का परिवार नहीं है वो? ज्ञान के तुम्हारे भाती नहीं है परिवार? गीता पाठशाला के उनकी सेवा नहीं करोगे? उनका भी लेना पड़ता है। पड़ता पड़ता की क्या बात है, वो भी तो तुम्हारी गीता पाठशाला की भांति है ना। तुम्हारी गीता पाठशाला की भांति नहीं है, तुम नहीं लेगी तो कौन लेगा? पड़ता की क्या बात है, वो तो लौकिक में भी तुम्हारे संबंधी हैं और अलौकिक में भी तुम्हारे बनने वाले हैं, तो पक्का तो हो गया। छज्जे के नीचे आ जाओ, ये पर्दा हटा दो। हाँ एक बात, ये हर्षल ने सुना है मधुबन में माउंट आबू एरिया में बहुत पानी का हाहाकार हो गया है, पानी पीने पानी का। हाँ इसीलिए बाहर के लोग को जाने के लिए मना भी कर रहे हैं। बाहर के लोगों को वहाँ पर जाने जा नहीं सकते? नहीं जाने के लिए थोड़ा हेजिटेशन होता है। नहीं नहीं रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं नहीं जाने में पानी का जो खरीदने से भी नहीं मिल रहा है, बोल शुद्ध में आ रहा है। हाँ पानी टाइम कौन सा चल रहा है अभी? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान जल मुहैया मिल रहा है या कठिनाई से मिल रहा है? मन के अंदर बुद्धि रूपी धरणी के अंदर ज्ञान जल बहता रहता है या दुनियावी बातें बह रही हैं? क्या बह रहा है? इसका मतलब है दोनों मिक्स झूठ बोल रहे। जब हर आत्मा के 84 जन्म क्लियर होंगे तो मनन चिंतन मंथन चलेगा या बंद हो जाएगा? है? चलेगा तो चल रहा है, चल रहा है कि बंद है? चल रहा है। कितने जन्म क्लियर कर लिए? अरे एक जन्म तो क्लियर हुआ होगा। इसी जन्म हाँ एक जन्म क्लियर हुआ, आगे का तो कोई पता ही नहीं ना। अरे एक जन्म तो क्लियर हो, एक जन्म क्लियर होगा। 84 जन्मों में से जो पहला जन्म है वो तो क्लियर हो गया। अरे क्लियर होगा तो नंबर भी पता चल जाएगा, माला में नंबर पता चलेगा कि नहीं? हाँ चलेगा। इसका मतलब ये है कि हम हैं तो सब शांति धाम के वासी, परम धाम के वासी, बाप के घर के बच्चे हैं। बाप के घर के बच्चे बनने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी माउंट आबू वासी होने के बावजूद भी तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, उस हिसाब से परमधाम माउंट आबू होगा। हमारे लिए माउंट आबू हमारा घर है ब्राह्मणों के लिए, लेकिन असली घर तो ये है हमारी धरणी। जो धरणी बुद्ध रूपी धरणी है उसमें ज्ञान जल की बहुत कमी है अभी, और ये कमी बढ़ती चली जाएगी। अभी तो अकाल पड़ना है जबरदस्त। अब ये सूचक बोला है कि नहीं मुरली में? मुरली में ये वाला विनाश होने से पहले क्या होगा? भयंकर अकाल पड़ेगा। इसलिए माउंट आबू में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो बाबा ने बोला, लेकिन रहने के लिए तो नहीं बोला किसी को? किसी को बोला? रहने के लिए नहीं बोला, खरीदने के लिए बोला। खरीदने के लिए बोला, खरीद के डाल दोगे उसकी कीमत तुम्हारी बढ़ती रहेगी, कंपनियां फेल होंगी, बैंकें फेल होंगी, LIC फेल होगी, प्रॉपर्टी की कीमत दुनिया में घट जाएगी,
अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, मारामारी होगी, तो प्रॉपर्टी की कीमत दुनिया की घटेगी बढ़ेगी? हैं? बढ़ेगी, मारकाट शुरू हो जाएगी तो कीमत बढ़ेगी, घटेगी? और माउंट आबू में कीमत बढ़ेगी, क्योंकि आवाज दुनिया में फैलेगी, बाप आया हुआ है, तो सारे विदेशी कहाँ भागेंगे? तो कीमत बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, लेकिन वहाँ रहने की जगह नहीं है अभी। पहले हम अपनी बुद्ध रूपी धरणी जो माउंट आबू है, जहाँ के हम वासी हैं, वहाँ ज्ञान जल पैदा करें। कुआ खोदो गहराई में, कुआ खोदते हैं तो गहराई में जाते हैं ना, तो बुद्ध रूपी धरणी की गहराई में जाएंगे तो उस नलकूप में से पानी निकलेगा ढेर सारा। फिर भले माउंट आबू में बसो, बाबा इस समय जिसने पुरुषार्थ करते स्वर्ग जाने के लिए वो तो स्वर्ग जाएंगे, और बाकी तो परम धाम शांति धाम जाएंगे। वो शांति धाम में रहने वाले आत्मा को स्वर्ग जाने वाले आत्मा वहाँ जा रही है ऐसे महसूस होती है? परम धाम में कुछ महसूसियत होती है? अभी तो बताया परम धाम की स्टेज ऐसी है जैसे हमारी सुसुप्त अवस्था, स्वप्न की भी अवस्था नहीं, जागृत की भी अवस्था नहीं। जब हमारी जागृत अवस्था है तो हम अनुभव करते हैं, सुसुप्त अवस्था है तो कोई अनुभव नहीं, और स्वप्न की अवस्था है तो भी अनुभव करते हैं। परम धाम में तो सुसुप्ति है, आत्मा चैतन्य होते हुए भी जड़त्व की भांति रही पड़ी है। परम धाम में आत्माएं ऐसी रहती हैं जैसे जड़, कोई अनुभूति नहीं। इस समय चक्र रूपी सृष्टि चक्र में जब आत्मा उतरे तब अनुभव हो। और बाबा मुरली जब सुबह रोज सुनते हैं उससे कुछ अपनी कमजोरी को हटाने की जो संकल्प उठाते हैं ज्ञान से, वो महीना में 20 दिन 15 दिन तक तो उत्साह उमंग रहता है कमजोरी मिटाने का, फिर बाद में धीरे धीरे वो ठंडा पड़ जाता है। तो मुरली सुनना बंद कर देते क्या? नहीं, वो अवस्था नहीं रहता है। अरे उत्साह उमंग रोज मुरली सुनते हैं तो रोज संकल्प करना चाहिए, रोज संकल्प करेंगे तो उमंग उत्साह रहेगी, और उमंग उत्साह भी तब रहेगी जब बाप का काम करेंगे, बाप का धंधा करेंगे। बाप कहते हैं मैं सबसे उन बच्चों को याद करता हूँ, तो सबसे उन बच्चों को जब याद बाप करते हैं तो बाप की याद में तो कितनी ताकत है, बच्चों को कितना उमंग उत्साह मिलेगा। और हम बाप का धंधा ही नहीं करेंगे, अपने ही पेट के धंधे में लगे पड़े हैं, लड्डू पेड़ा जलेबी कैसे खाएं रोज, बढ़िया बढ़िया महलों में कैसे रहने को मिले, बढ़िया से कपड़े मिल जाएं, अच्छे अच्छे संबंधी मिल जाएं, लड़के का ब्याह हो जाए, लड़की अच्छे घर में चली जाए, तो उमंग उत्साह बढ़ेगा। अरे सीधी सी बात, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, गुड़ नहीं डालेंगे मीठा नहीं होगा। ईश्वरी ज्ञान का कायदा है याद और सेवा, ये ब्राह्मण जीवन का धर्म है। याद और सेवा टूटी तो उमंग उत्साह टूट जाएगा।
कोई कोई ऐसे भी होते हैं बहुत सेवा करते हैं। बेसिक में देखो जाके बड़े बड़े महारथी जो माने जाते हैं कितनी भागदौड़ करते हैं, मेले मला खड़े कॉन्फ्रेंस मेगा प्रोग्राम, लेकिन वो अपना मान मर्तबे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है? अगर मान मर्तबा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो फल नहीं मिलेगा, जो उमंग उत्साह आना चाहिए वो नहीं मिल सकेगा, वो सेवाधारी नहीं है। और कबूतर बुद्धि है, उनको अपना सेवा तो है ना बाबा। जैसे कबूतर के गले में संदेश बांधा जाता है तो गले पड़ गया, जो गले पड़ गया वो उड़ करके ले जाए और संदेश दे आए जाके। दिल की इच्छा नहीं है सेवा करने की, जानते हैं अगर हम ये कॉन्फ्रेंस मेले मला खड़े मेगा प्रोग्राम नहीं करेंगे तो शंकर पार्टी हमारे ऊपर हया भी हो जाएगी, इसलिए मजबूरी में सेवा कर रहे हैं। और उस सेवा करने से मान मर्तबा दुनिया में मिलता ही है, अखबारों में पढ़ता है, दीदी दादियां वाह वाह करती हैं, बड़ा सेवाधारी है, कन्याएं माताएं खुश हो जाती हैं, ढेर सारा पैसा उड़ेल देती है, तो प्राप्ति होती है ना। नई दुनिया में प्राप्ति होती है या यहाँ की यही हो जाती है? तो उमंग उत्साह उनका कैसे बढ़ेगा? तो सेवा तो करते हैं लेकिन वो सेवा स्वार्थ की करते हैं या ईश्वरीय सेवा करते हैं परमार्थ की? स्वार्थ की करेंगे तो उमंग उत्साह कहाँ से बढ़ेगा? भगवान तो जानता है ना कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो बाबा पहले तो स्वस्थिति में अपना को, जैसे अपने पुरुषार्थ में तो पहले अपना को तैयार करना पड़ेगा, तब तो सेवा होगा ना। जैसे कि स्वकल्याण से ही विश्व कल्याण होता, आपने को जब तक कल्याण ही नहीं बनाएंगे तब तक तो विश्व कल्याणकारी तो नहीं। कितना टाइम निर्धारित किया स्वस्थिति के लिए? वही संकल्प उठाते मुरली से कि हम अपने कमजोरी मिटा के स्वस्थिति में टिके। तो कितना टाइम लगेगा तब स्वस्थिति बनाने के बाद सेवा करना शुरू करेंगे? जरूरी है क्या भाई? जरूरी है क्या स्वस्थिति होने, सेवा करने के लिए स्वस्थिति होने? अरे बाप का काम करेंगे तो बाप हमको याद करेगा, ये नियम है। तो जब बाप हमको याद करेगा तो हमारे शरीर को याद करेगा कि हमारी आत्मा को याद करेगा? है तो बाप हमारी आत्मा को याद करेगा तो हमारी आत्मा की स्थिति नहीं बनेगी। बाप करेगा तब करेगा, हम पहले अपनी आत्मा की स्थिति स्व का कल्याण सारी दुनिया का कल्याण। पता नहीं बाप कौन सा है, हमें मालूम नहीं। बिंदी 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 ढेर सारे बिंदी है ना, हमें पता कैसे चले बाप कौन है? देवान में सर्विस करने से पूरी सर्विस ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो पहले आत्मा की। हाँ पहले आत्मा बना के बैठ जाओ। बनी आत्मा कितने साल से चल रहे? बेसिक एडवांस में कितने साल से चल रहे? बेसिक क्लास 8 साल और एडवांस में 2 साल, 8 और 2 10 साल हो गए। आत्मिक स्थिति कुछ बनी कि नहीं बनी? पहले से अभी थोड़ा, पहले से मुकाबले अभी 50% बन गई, 50% बन गई, 40 बन गई, 30-35 तो बन गई होगी। तीस पैंतीस स्टेज अगर बन जाए
इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में 8 घंटे की आत्मिक स्थिति बन गई, 8 घंटे की आत्मिक स्थिति बन गई तो 8 घंटे तो सेवा करें, नहीं करनी चाहिए? यह पक्का कर दे हमारी 24 घंटे की आत्मिक स्थिति बन जाएगी तब सेवा करेंगे, फिर सेवा करने की दरकार रह जाएगी है? जब 24 घंटे लगातार की आत्मिक स्थिति बन जाएगी तो कोई सेवा करने की दरकार है ही नहीं, ऑटोमेटिक सेवा होगी। अरे जल्दी जल्दी बोलो भाई। हाँ जब से बाबा ये ज्ञान लिए हैं तब से बाबा ये सेवा के पीछे में कैमरा में नहीं आ रहे बाबा, ये डीवीडी और टका लेके ये बेसिक का बेसिक में जो भाई लोग है उनका घर में 8-10 आदमी का घर में दिया बाबा, 2-3 महीना तक साइकिल लेके घूमा, मुरली पूरा सुना है तो सुना छुट्टी है भाई ये सब बोलते बोलते बाबा वो लोग को तो बाद में बोलता है वो लोग आप लोग का भी वही शिव को मानते हैं, हम लोग भी वही शिव एक ही तो है। तब बोला मैंने हाँ शिव तो एक ही है, वो तो आप क्यों, सबसे पहला सिख धर्म का गुरु गुरु नानक जी भी बोला गॉड इज लाइट, और सब जितना भी 8-9 धर्म है सबने बोला गॉड इज लाइट, तो आपने ठीक ही बोले हैं। बोला तो बाबा अभी तक एक भी नहीं पढ़ा है बाबा, 2 साल हो गया बाबा भटी करके आया, खूब ढूंढते हैं बाबा अभी तक पढ़ा गए, चल रहा है कोई बात है बाबा सारी है चल रहा है, लेकिन बाबा ये जो ज्ञान जब मिला कि आत्मा अजर अमर तुम्हारा जीतर सुनने के बाद जब हम जाएंगे बाप का साथ परम धाम शांति धाम सुख धाम जाके जब स्वर्ग में जब इस स्थिति में जब आएंगे हमें जो बाबा पता चला इसलिए इस ज्ञान में आए बाबा, जब अभी ये अंतिम युग में जब जन्म लिया बाबा अभी ये बहुत तकलीफ मिला बाबा इसके आगे बहुत तकलीफ उठाने का, फिर बाबा इसके आगे और थोड़ा सा आगे ऐसे उठाने पड़ेगा। आप तो बोलते हैं हुआ हो जो देखिए वही होगा, अभी तो बोला दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं बाबा, उससे हमारा कोई दुख नहीं बाबा, जो भी हो जाए जब हो जाए, लेकिन बाबा इस जन्म में जितना सुख किया फिर 5000 वर्ष बाद में वैसी दुख होगा ना क्या, ये सब माने एक एक जन्म का भी दुख नहीं भोगना चाहते। अच्छा ये तो बाबा बोले हैं ये तो रिप्लेसर को इसके आगे भी ज्ञान लिए लिए थे भगवान, इसके आगे भी आए थे 5000 वर्ष, आप एक जन्म का भी दुख नहीं भोगना चाहते, सर्विस हो रहा है ये तो ज्ञान में दुख आएगा ये पक्का हो गया, आप एक जन्म का भी दुख नहीं भोगना चाहते, एक जन्म का भी दुख नहीं भोगना चाहते, सुख भोगना तो कोई बाकी नहीं है अभी बाबा, अभी सुख का कोई बाकी नहीं, नहीं ये तो भोग लिए, दूसरा जन्म न भोगनी पड़े है, दूसरा जन्म में वो भोगना न पड़े, अगला जन्म तो हमारा अगला जन्म जो है वो 21वां जन्म होगा या 84वां जन्म और होगा, आपकी उम्र क्या हो गई, 65 साल हो गई, आप यज्ञ के आदि में तो थे, आपका पिछले जन्म में ही 84वां जन्म हो गया, इस जन्म में तो ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म चल रहा है, अब इसके बाद तो दुख की दुनिया में जन्म नहीं होना है, तो जब होना ही नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हैं, हाँ चिंता से मुक्त हो बाबा, भक्ति मार्ग में जो लक्ष्मी नारायण को पूजा होती है ना इसमें प्रसाद ब्राह्मण भोग और अपुंग चढ़ाते हैं, जिसका अर्थ क्या है अपुंग अथवा मनोभोग, ये अर्थ क्या है, हलुआ नहीं मनोभोग पच्चे पीछे पीछे होते है ना गाँव की जिसके मनोभोग और
नहीं पहुँचाए कि मनोबोध और अपुंग अपुंग चढ़ाते नारायण का अपुंग चढ़ाते अपुंग अपुंग क्या अपुंग पत्ती खा के रखे अपुंग चढ़ाते मनोबोध प्रसाद चढ़ाते हैं हाँ प्रसाद का नाम अपुंग और मनोबोध प्रसाद चढ़ाते हैं आटा में चीनी मिलाकर मिठास चढ़ाते हैं तो मीठे बनो और मिठास चढ़ाओ बाबा भी कहते हैं कि अभी कड़ुआपन त्याग दो अभी क्या करना है जो मिले वो हमारे से मिलते ही प्रसन्न हो जाए आंख से आंख मिले और उसका चेहरा चमकने लगे दो शब्द सुने और उसको खुशी आ जाए तो ये मन भोग हो गया मन प्रसन्न करने का भोग है ना मिठास का भोग है या कड़वास का भोग है मिठास का भोग है लगाओ और तुम्हें चढ़ाते नारायण के चढ़ाते नारायण पूजे में चढ़ाते हाँ जी ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है उसमें हाँ ये बहुत सहज है खुशी दो और खुशी लो दुआ दो और दुआ लो हाँ इसमें ज्यादा खर्चे की बात नहीं है और बाबा मनुष्य आत्मा का बारह राशि है कुन कुन राशि ले पालना करने कुन कुन राशि ले थपना करने कुन कुन राशि ले विनाश करने कौन कौन राशि से कौन 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 सी राशि स्थापना विनाश और पालना करेगी आदमी का बारह राशियां हैं उनमें चार हैं स्थापना करने वाली चार हैं पालना करने वाली और चार हैं नष्ट देव जो माला के 108 मणके हैं वो 9 प्रकार के मणके हैं वो 9 ग्रुप में 12 12 के ग्रुप हैं उनमें जो अव्वल नंबर ग्रुप है सूर्यवंशी उसमें भी 12 हैं उन 12 में 4 हैं स्थापनाकारी 4 हैं पालना करने वाले और 4 हैं विनाश के निमित्त खास बने हुए हैं उनकी प्रैक्टिस ये होती है हे भगवान के बने बनाए घर भले भगवान का क्यों न हो तू गिर जा तो भगवान के ही घर को जब गिरा देंगे तो दूसरे किसी का घर उजाड़ने बगैर रहेंगे क्या और सब का घर उजाड़ने वाले हैं बनाने वाले नहीं हैं तो उनको 12 राशियों में बांटा जाता है दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं उन 12 राशियों में से कोई न कोई एक राशि के होते हैं माने दुनिया के हर मनुष्य को कोई न कोई एक राशि में आना पड़े एक राशि में जरूर जन्म लेगा और बाबा मन से मरता है नहीं नून छोड़ना पड़ता है नून क्यों छोड़ता है बाबा नमक हाँ जब आदमी मरता है तो नमक पीछे करना पड़ता है हाँ हाँ ऐसा है फरक्काबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है रबड़ी हाँ रबड़ी नहीं प्रसिद्ध है फरक्काबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है विदेशों में भी जाता है इसका मतलब जो फरुखाबाद का मालिक है वो जो ज्ञान सुनाता है वो ज्ञान में ब्रह्मा कुमारियों का ही मुंह नमकीन नहीं होता है सभी मनुष्य आत्माओं का मुंह में नमक भर जाता है
क्योंकि जो फरुखाबाद का मालिक है वो विश्व का मालिक, सारे विश्व को, सब मनुष्य आत्माओं को, मनुष्य मात्र को खलास करके विश्व की बादशाही लेता है। जो जीते जी मरे हैं तो बढ़िया, और न मरे तो उन्हें जबरियन मरना ही पड़ेगा। तो जब मरते हैं तो मरने के टाइम वो नमक छिड़कते हैं, ये ज्ञान का नमक, जो वाणी है ना वो नमकीन वाणी है, ब्रह्मा की तरह मीठी वाणी नहीं है। ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमारियों के लिए ही नमकीन है, आगे पीछे सबके लिए नमकीन है। नमकीन लगती है कि नहीं? थोड़ी बहुत लग रही है, लग रही है। ओम शांति। मैंने नहीं कहा ओम शांति, ये मंजू माता ने बोर्ड दिखाया।